So what is up guys, welcome back to my channel, welcome back to yet another video. भाई last video कैसे लगी? Last video actually एक experiment type का था कि भाई थोड़ा सा करके देखते थे किसी social media पे, मतलब Tinder पे थोड़ा हल्का हल्का roast type से, मतलब समझ गया ना, entertainment type का. अब वो जो video shoot, मतलब जो भी मैंने stuff उसका shoot किया था, screen recording वगैरह, वो total जा रहा था एक घंटे का. तब जाके वो compress करते करते 16 मिनट तक हो गया भाई. Daily vlogs बनाने हैं, मतलब एक घंटे का video edit करना, मतलब भाई hectic भाई. बहुत एक्टिव एक्चुअली मैं खुद पे थोड़े से बैड इफेक्ट्स भी देख रहा हूँ. रोज अगर एडिट कर रहे हैं, रोज अगर वीडियोस बना रहे हैं, बहुत सर पे स्ट्रेस आता है, हेडेक होने लगता है. और मतलब रात को एकदम चैन से सोने वाला बंदा, भाई सोने के लिए पहले सर दर्द को पहले शांत होने देना पड़ता है, उसके बाद नींद आने के बावजूद भी नींद नहीं आया, मतलब सोनी बात है भाई. इस तरह से सर दर्द वगैरह हो रहा है ड्यू टू कंसिस्टेंसी. अगर ये सब होते रहेंगे तो भाई मैं कंटिन्यू कैसे कर पाऊंगा. मैं फिजिकल वर्कआउट कुछ नहीं करता हूँ, एकदम निल कुछ नहीं करता मैं. और मैंने बस थोड़ा सा वर्कआउट करके देख लिया, थोड़ा जंपिंग वगैरह या फिर थोड़े पुशअप्स वगैरह आगे देख लिए, तो भाई इंस्टेंटली मेरा सर गायब होने लगा. मुझे लगा कि वर्कआउट वगैरह जो करते हैं लोग वो सिर्फ बॉडी वगैरह बनाने के लिए करते हैं, ऐसा मतलब उसका एक्चुअल मीनिंग वगैरह फिर मुझे पता नहीं था कि उसका एक्चुअल बेनिफिट क्या होता है. मुझे लगा कि लोग सिर्फ ऐसे मतलब अच्छा दिखने के लिए या फिर फिट दिखने के लिए वगैरह करते हैं, बट एक्चुअली नहीं. सही में जब तक आप फिजिकली फिट नहीं हो तब तक आप मेंटली भी फिट नहीं हो सकते. मेंटली फिट रहने के लिए भाई फिजिकली फिट रहना बहुत जरूरी है. ये मतलब आज थोड़ा सा मतलब 100% कन्फर्म हो गया है इस चीज़. सो मैंने सोचा कि आज की वीडियो में थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह का दिखा देते हैं, टाइमलेस वगैरह, मतलब कि मैं किस तरह से वर्कआउट कर रहा हूँ. और हाँ, अगर आप में से कोई वर्कआउट करता हो अच्छा प्रोफेशनली, तो यार प्लीज़ कमेंट में बता देना कि मुझे किस तरह से वर्कआउट करना चाहिए, और जो मैं अभी कर रहा हूँ वर्कआउट वगैरह वो गलत तो नहीं है. मतलब हो सकता है ना कि कभी कभी क्या होता है, अपन अच्छा करने के लिए जाते हैं और फिर अपने को पता नहीं रहता कि हम किस वे में वो कर रहे हैं, और फिर वो पूरा गलत हो जाता है. मतलब समझ रहे हो ना, ज़रूरी नहीं है कि हर वर्कआउट बेनिफिशियली हो सकता है, वो अपने को नुकसान भी दे सकता है अगर अपन ने उसे गलत तरीके से किया. चलो भैया करते हैं. भाई अभी जुम्बा करेंगे अपन. जुम्बा करने से क्या होता है, पूरा बेली फैट वगैरह सब कुछ कम हो जाता है, ऐसे मैंने सुना है. तो लेट्स डू जुम्बा यार. मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट अभी यूट्यूब के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता भाई. भाई वर्कआउट म्यूजिक लगा दो और भाई और चालू हो जाओ, मुझे पूरा जो करना करो भाई, पूरा पसीना पसीना हो गया. मुझे लगता है कि अभी मुझे फिर से नहाना पड़ेगा, अभी अभी नहाया तो भाई पूरा पसीना हो गया और भाई स्ट्रेस एकदम गॉन. बहुत सही चीज़ है भाई वर्कआउट. मेरे घर के सामने लड़की रहती है भाई, उसके सामने थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा मुझे. सो आई विल व्लॉग इनसाइड मैं, मतलब इधर टेरेस के इधर करूँगा व्लॉग. भाई भाई वर्कआउट इज जस्ट लाइक पूरा स्ट्रेस बस्टर है भाई. भैया लड़कियाँ फिर से भूल गई यार, लेकिन इतना टाइम भी लगाती है यार अपने तैयार होने में. हम व्लॉग नहीं कर पाते यार अच्छे से, अनकम्फर्टेबल लगते हैं उनके सामने यार. वर्कआउट वगैरह जो है ना सच में काफ़ी स्ट्रेस बस्टर है भाई. मतलब थक गया बट मज़ा आ गया भाई पूरा. मतलब जो भी हेडेक हो रहा था भाई पूरा निकल गया. एक पॉइंट पर ऐसा भी लग रहा था कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये व्लॉग, चैलेंज वगैरह बंद कर देने चाहिए, अबैंडन कर देने चाहिए पूरा. मतलब इतना स्ट्रेस आ रहा है तो इतना पुश क्यों कर रहा है. मे बी इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट अगर आप कोई नई चीज़ ठान लेते हो कि ये करना ही है, तो आपने क्या मतलब अंदर से बहुत ऐसे मेंटली और फिजिकली स्ट्रेस हो जाते हो या फिर थक से जाते हो, और आपको लगता है कि ये अपने हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. एक्चुअली ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, ऐसी बात नहीं है. कोई भी नई चीज़ करोगे जैसा होगा ही. आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये हेल्थ के लिए मेरे लिए अच्छा नहीं है तो इसे बंद कर देना चाहिए, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि वो जो चीज़ मुझे तकलीफ दे रही है उससे कैसे डील करें, उसको कैसे बीट करें. मतलब अगर आपने उस चीज़ को बीट कर दिया तो अल्टीमेटली आपने जो सोचा वो भी होते रहेगा. ये मत सोचो कि आपके लिए वो हेल्थ के लिए बुरा है तो आपको बंद कर देना चाहिए. कर सकते हो, मोस्ट पीपल वैसा ही करते हैं. और यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल कहाँ है इस मोमेंट में. जो चीज़ आपको अनइजी महसूस हो रहा है उसको आप बीट कर देते हो, आपने उससे भी जीत लिया और आपका काम भी सामने बढ़ रहा है, आप ग्रो कर रहे हो. सो यही था आज का थोड़ा सा
संदीप माहेश्वरी लाइट। सो यार दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा भी मोटिवेट फील हुआ, तो भाई इस वीडियो को शेयर कर दो, इस वीडियो के मैसेज को भी शेयर कर दो, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी थोड़ा सा ग्रो करूँगा। और हाँ, कॉन्स्टेंटली आप मुझे कमेंट्स में बताते रहो कि यार ये ब्लॉग सीरीज कैसी चल रही है। मतलब मैं एक्चुअली बहुत सी नई नई चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ ताकि आपको भी बोर ना हो और मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। करो भाई वर्कआउट करो, मेंटली फिट रहने के लिए फिजिकली फिट रहना एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट। और हाँ, पीस आउट। और हाँ, थोड़ा बुक्स वगैरह पढ़ो करो भाई, काम कीजिए। बाय।